हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओवी एकेडमी। वीओवी एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम इस अपनी इस वीडियो के अंदर हमारे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसे कवर करने जा रहे हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर का सारा बेसिक्स मिल जाएगा। तो हम जो मेजर मेजर टॉपिक्स जो हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे वो होंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या जरूरी हिस्से होते हैं, या केमिकल रिएक्शन डिफरेंट कितने कितने टाइप्स की हो सकती है। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आप लोग इस चैप्टर के अंदर अपने सीखोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अब सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन किस बारे में है? इंट्रोडक्शन ये है कि असल में ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, या केमिकल रिएक्शन क्या आपको डेली लाइफ में नजर आती हैं कभी? तो यस, केमिकल रिएक्शन हमारे यहाँ पर आसपास हमें अपनी पूरी लाइफ के अंदर, हमारे पूरे डेली रूटीन के अंदर नजर आती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कभी भी अगर आप किसी आयरन नेल को, यानी किसी आयरन की कील को अगर आप क्या रख दो, बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दो, तो क्या लग जाती है? उसके ऊपर रस्ट लग जाती है। तो वो भी क्या होती है? एक तरीके की केमिकल रिएक्शन। वैसे ही जब भी हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाने वक्त भी क्या होती है? एक तरीके की केमिकल रिएक्शन ही होती है। आप काफी सारी चीजें मिक्स करते हो, आप उन्हें हीट करते हो, एंड दस उनका टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उनका टेक्स्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। वैसे ही रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या है? हम सांस लेते हैं, वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज CO2, है ना? तो ये भी क्या है? हम इनटेक तो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का, और हम रिलीज क्या कर रहे हैं? CO2। तो वो भी किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन से ही हुआ होगा। एंड ऑन द अदर हैंड डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है? ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन ही है। हर एक केस में क्या हो रहा है? कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो इनिशियली, जैसे हम खाना पकाते हैं मान लो, तो खाने पकाते वक्त पहले वेजिटेबल्स क्या होती है? काफी हार्ड होती हैं, है ना? आप उसे रेडली च्यू नहीं कर सकते, बट केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या हो जाती है? उनका टेक्स्चर बदल जाता है, दे चेंज इन टू सॉफ्ट कलर, समटाइम्स दे इवन चेंज देयर कलर एज वेल, उनका खुद का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ क्या है? दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक एक्टिविटीज देख लेते हैं, या कुछ ऐसे बेसिक सिनेरियोस देख लेते हैं जहां पे हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती होगी। जैसे कि हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। मैग्नीशियम आप लोगों को पता है, इट इज अ सिंपल मेटल। मैग्नीशियम एक सिंपल मेटल है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? उसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास Mg। तो हम जब भी किसी मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, और अगर हम उसे स्प्रिंटर के पास लेके आते हैं, यानी कि उसको बर्नर के पास लेके आते हैं और उसे जलाते हैं, तो क्या होगा? आपको यहां पर एक व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा, और जिससे फ्लेम निकलेगी वो किस कलर की होगी? इट विल ऑल्सो बी ऑफ व्हाइट कलर, या हम साइंटिफिक टर्म्स में ये बोलते हैं दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट स्पार्क्स। जैसे फुलझड़ी में होती है ना, तो उस तरीके की डेजलिंग व्हाइट स्पार्क्स निकलती है जब भी कोई मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। उससे क्या हो रहा है? देखो, आपने तो कोई स्ट्रिप ली थी ना मेटल की, जैसे आपने उसे जलाया, एक तो आपको क्या मिला? पाउडर, और दूसरी आपको फ्लेम्स मिली जो किस कलर की थी? व्हाइट कलर की। अब इसका इंस्टेंस है वो आप अपनी अगली वीडियो, अगली टॉपिक के अंदर समझोगे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हमारी अगली एक्टिविटी क्या होगी? हम अपनी अगली एक्टिविटी के अंदर वी आर टेकिंग सम जिंक ग्रैनुअल्स। अब जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है? जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब होता है जिंक के छोटे छोटे पीसेस, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है ना जिंक ग्रैनुअल्स, तो ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है? जिंक के पीसेस ले रहे हैं और उसको किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, और उसको किसके अंदर मिक्स किया जा रहा है? जिंक। जिंक को हम लिखते हैं जेड एंड स्मॉल एन। अब हमने क्या लिया है? एक हमने टेस्ट ट्यूब ले ली है, उसके ऊपर एक कॉक फिक्स की है, जिसके अंदर से हमने क्या निकाली? एक ट्यूब जिसके अंदर से हम जिंक ग्रैनुअल्स डाल सकते हैं। तो आपने क्या किया है? अंदर एसिड ले लिया है, उसके अंदर आपने जिंक के ग्रैनुअल्स डाले। तो आप क्या देखोगे? रेडली ये रिएक्शन होने लगेगी काफी विगरसली, और आपकी जो फ्लास्क है वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। आपकी फ्लास्क भी हो जाएगी क्या हो जाएगी? वो हीटअप हो जाएगी, और आपको यहां से गैस निकलती हुई नजर आएगी, और वो गैस कौन सी होगी?
हाइड्रोजन, और आपको कैसे पता लगेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस हमें नजर तो आती नहीं है, तो आपको असल में पॉपअप साउंड सुनाई देगी। क्या है? पॉपअप साउंड सुनाई देगी जैसे ही गैस बाहर निकलेगी, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस आते हैं, यानी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहला चेंज क्या है? चेंज इन कलर। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है उन रिएक्शन में आपको क्या नजर आए, आपको उस रिएक्शन में नजर आए कि यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? मेटल की स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या डाला हो, सॉलिड चीज डाली हो, और वो किस में बदल गई हो, लिक्विड के अंदर बदल गई हो, तो क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट हो सकता है। अनदर क्या हो सकता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कोई गैस निकल सकती है। जैसे हमने एक्टिविटी नंबर 2 में किया था, जहां पे आपने क्या किया, जिंक को ऐड किया किसके अंदर, HCl के अंदर, तो आपको कौन सी गैस निकलती हुई नजर आई, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आई। दूसरा क्या हो सकता है? टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जो आपने एक्टिविटी 1 में देखा था, जहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे फ्लास्क क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, यानी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो सकता है। जैसे आप बोलो आप सब्जी पकाते हो, तो क्या सब्जी आपको, या आपको जो आप जैसे मान लो आपने आलू की सब्जी बनाई, तो क्या आपको आलू उसी टेम्परेचर में मिलते हैं जब आपने कुक कर लिए होते हैं? नहीं, वो हीट अप हो जाते हैं ना, तो उस रिएक्शन से क्या हो जाता है, टेम्परेचर के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जब जो हमें नजर आते हैं व्हेनेवर वी सी एनी केमिकल रिएक्शन बीइंग टेकन प्लेस। ओके, तो अब जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे आपको आपको किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन को डिनोट करना है, जैसे आपको ये पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किसी भी तरीके का चेंज जहां पर कोई भी बॉन्ड्स या तो बनते हैं या वो ब्रेक होते हैं, फिर हमें कैसे पता लगेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब अगला हमें ये देखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो ये क्या है, ये एक स्केचवर्क है जिस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज आपने, हमने एक्टिविटी 1 में मैग्नीशियम की बर्निंग की रिएक्शन देखी थी, तो उसमें वो क्या रहा था, जब भी कोई चीज बर्न होती है तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। जब भी कोई चीज बर्न होती है तो उसमें क्या होता है, असल में उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हमने मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया, यानी मैग्नीशियम के अंदर क्या ऐड कर दी, ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में इन्हें क्या बोला जाएगा, दे आर कलेक्टिवली नोन एज रिएक्टेंट्स। और इनसे बना क्या, तो आपने देखा था कि व्हाइट कलर का एक पाउडर बन रहा था, क्या बन रहा था, एक पाउडर बन रहा था जो नीचे जो आपकी डिस्क थी उसमें कलेक्ट हो रहा था, वो क्या था, वो था असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, यानी जो रिएक्शन से पहले एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम उन दोनों के बीच में या हर एक जितने भी रिएक्टेंट होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, सबको रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर विद अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन देम। और जो भी प्रोडक्ट होंगे जो हमें रिएक्शन के बाद मिलेंगे, उसे हमको रिप्रेजेंट करना होगा RHS पे, यानी राइट हैंड साइड पे विद अ पॉजिटिव साइन। यानी जैसे सपोज करो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कुछ और भी बनता, तो एड प्लस करके आप उन सबको भी यहां पर मेंशन कर दोगे। तो एक स्केचवर्क है जिस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो अब देखो केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने भी पिछले केस के अंदर देखा, तो केमिकल रिएक्शन को ये तो नहीं है कि आप इतना बड़ा बड़ा लिखोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको कितना बड़ा, कितना लेंदी वर्क में लिखना पड़ा। तो अभी तो ये रिएक्शन छोटी थी तो उसके लिए लिखना ईजी था, बट हो सकता है काफी बड़ी बड़ी रिएक्शन भी आप पढ़ो, तो उसमें आप ये आप किसी भी रिएक्टेंट का पूरा नाम तो नहीं लिख सकते ना। तो व्हेनेवर हमें किसी भी चीज को क्या करना हो, अगर हमें किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसकी एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए होगी। उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए। तो उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम भी क्या यूज करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल यहां पर यूज किया गया, हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल यहां पर क्या यूज किया है, Mg प्लस O2 विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। वैसे इमेजिन करो आपको कोई भी रिएक्शन शो करनी है, इमेजिन आपने वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन शो करनी है, तो आप कैसे ये लिखोगे, आप एक तो तरीका होगा आप लिखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो कहीं आप क्या लिख सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो H2 प्लस O2
विल गिव यू, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एरो का साइन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O। तो ये एक सिंपल तरीका है किसी भी रिएक्शन को शो करने का। अब किसी भी रिएक्शन को शो करने के साथ साथ हमें एक और पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है, वो क्या होता है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हमारा अगला एस्पेक्ट क्या है कि आपको किसी भी रिएक्शन को, मान लो अब एक तो होती है जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब ये किस बेसिस पे है, मान लो आपने कोई भी रिएक्शन, हमने पीछे भी दो रिएक्शंस देखी, तो अब होता क्या है, हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। क्योंकि मास को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते, ठीक है, ना तो आप इसे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ना कि हम कोई एक नया एलिमेंट ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कोई एक एलिमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके बेसिस पे हमें क्या स्टडी करना होगा, हमें ये देखना होगा कि कोई भी रिएक्शन जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या वो इस रूल को फॉलो कर रही है, क्या उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे क्या काउंट करते हैं, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं, क्या दोनों साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे यहां पर एक रिप्रेजेंट की हुई एक रिएक्शन जिसमें, जो ये एक्टिविटी नंबर टू की रिएक्शन थी जहां पे हमने जिंक ग्रैनुल्स को मिक्स किया था एक एसिड के अंदर, तो और ये हमें क्या मिले हैं, प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो आप काउंट करो जरा, आप इमेजिन करो, यहां पर तो मैं रिएक्टेंट लिख रही हूं, इधर मैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रही हूं। सबसे पहले हम काउंट करते हैं जिंक के लिए, तो जिंक के लिए बताओ मुझे यार रिएक्टेंट साइड पे जिंक कितने है, रिएक्टेंट साइड पे जिंक का एक ही एटम है, प्रोडक्ट साइड पे जिंक का कितने एटम है, वन। तो जितने रिएक्टेंट में जितना आपने जिंक डाला था बाद में रिएक्शन के बाद आपको उतना ही जिंक मिल गया, हाँ उसका फॉर्म चेंज हो गया, पहले अकेला जिंक था अब ZnSO4 की फॉर्म में। अब आप काउंट करो, मान लो आप हाइड्रोजन काउंट करके देखो, तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2H2, दो हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, H2। तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 थे, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं, 2 है। सिमिलरली आप सल्फर काउंट कर सकते हो, रिएक्टेंट साइड पे सल्फर कितने हैं, 1, प्रोडक्ट साइड पे भी सल्फर कितने हैं, 1। सिमिलरली आप ऑक्सीजन काउंट कर सकते हो, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 4। तो इस तरीके से हमें क्या पता लग गया कि ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो जो भी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फॉलो करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हो सकता है कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी रिएक्शन हो जो बैलेंस्ड ना हो, यानी उसमें ये ना हो कि जितने रिएक्टेंट हैं, जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट में एटम्स ना हो, तो उस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर क्या होता है वो सेम नहीं होता। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं होते नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, यानी मतलब जितने रिएक्टेंट में अंदर एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट के अंदर एटम्स नहीं होते, उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपके एग्जाम्स में यूजुअली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको एक वो कोई भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देंगे और आपको उसे एक पर्टिकुलर मेथड का यूज करके उसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली है, कौन सी रिएक्शन है, हमने क्या किया है, वाटर, आयरन के अंदर क्या ने ऐड कर दिया है, वाटर, और वो किस में चेंज हो गया है, इट हैज चेंज इनटू Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ क्या बना है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। अब आप क्या देख रहे होगे, अब आप एटम्स को काउंट करो, जैसे कि यहां पर मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले हम आयरन के एटम्स काउंट करते हैं, तो रिएक्टेंट में आयरन के एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट में आयरन के एटम्स हैं 1, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 3, Fe3, तो ये बैलेंस नहीं है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है अभी इस टाइम पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है,
जिसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें इस पे कोई मेथड ही लगाना होगा जिससे हमें इसमें इसको किस में चेंज करना होगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब देखो रजे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है, वो तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, तुम्हें उसे बैलेंस करना होगा। अब ये जो बैलेंस करने के लिए क्या है, एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे इसी तरीके से बैलेंस करो। जब भी आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तब आपको क्या लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर होता है, सॉरी ट्रायल की स्पेलिंग गलत होंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जैसे आप मान लो कोई पजल सॉल्व करते हो, तो पजल सॉल्व यूजुअली आते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, आपको नंबर्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं, तो आप क्या लगाते हो वहां, हिट एंड ट्रायल ही लगाते हो, आप अपने दिमाग से लगाते हो, ठीक है यहाँ वन लिख देता हूँ, वहां टू लिख देता हूँ, ठीक है तो शायद ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं होता, कोई साइंटिफिक आपको मेथड तो नहीं बताया होता कि यहाँ पर ये ऐड करो, वहां पर वो सबट्रैक्ट करो तो ये सम हो जाएगा, नहीं। ये क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी यहां पर हम अपने इसको एक पजल की तरह मान के चलते हैं जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में एटम्स कितने थे, 1, और प्रोडक्ट साइड पे कितने थे, 4। अब एक बात आप और समझ लो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर आप जो नंबर ऐड करोगे इसे मतलब बैलेंस करने के लिए, वो आप कहीं पे भी यहां नहीं लिख सकते। जैसे मान लो आपने यहां कोई नंबर लिख दिया और मतलब पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के यहां नंबर लिख दिया, नहीं। आप हमेशा किसी भी नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो उसे हमेशा किसी भी कंपाउंड के आगे यहां पर ऐड कर सकते हो, उसके कोफिशिएंट की फॉर्म में ऐड कर सकते हो, आप बीच में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो मैं आयरन है, आयरन के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मुझे ये नहीं है कि मैं आयरन के अंदर यहां पे 3 लिख दूं, नहीं। जैसे आयरन की यहां पर 3 एटम्स हैं, मुझे रिएक्टेंट साइड पे भी बनाने हैं, तो ये नहीं आप यहां पर 3 नहीं लिख सकते, आप हमेशा उसके कोफिशिएंट साइड पर ही 3 लिख सकते हो। वैसे Fe3O4 में आपको लगाना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप ऑक्सीजन पे यहां पे आप 5 कर दो और आप बोलो कि रिएक्शन तो ये तो हमारी बैलेंस हो गई, नहीं। आप जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है वो आप यहां पर उसके कोफिशिएंट्स के अंदर ही कर सकते हो, और किसी भी जगह पर आप इस तरीके का कोई भी चेंज नहीं लेके आ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो अब हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड पे तो थे 4 ऑक्सीजन एटम और रिएक्टेंट साइड पे 1 ही थे। तो जैसे आप देख रहे हो स्टेप के अंदर हमने ऑलरेडी कर दिया, हमने H2O रिएक्टेंट साइड पे क्या कर दिया है, H2O के आगे क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया है। H2O के आगे क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया है। अब देखो दोबारा चेंजेस आ गए, अब ऑक्सीजन के एटम तो हो गए बैलेंस, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड पे भी 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 हो गए, ठीक है। अब चेंज किसमें आ गया, हाइड्रोजन में। अब रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो कितने देखते हैं, ये नहीं है 4+2 6 नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड पे तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 8, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 ही है। और आयरन के अंदर क्या कोई चेंज आया, आयरन रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 है और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं हमारे पास 3। तो इस स्टेप के अंदर हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, अब अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना होगा, अब अगले स्टेप के अंदर हम हाइड्रोजन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। देखो आप लोग देख ही रहे हो, अब अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, अगले स्टेप के अंदर अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, हमने यहां पर प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दिया है, प्रोडक्ट साइड पे भी हमने हाइड्रोजन के आगे लगा दिया है 4। जिससे आप क्या देख रहे हो, जिससे हम ये देख रहे हैं कि अब ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस हो गए हैं और हाइड्रोजन के भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 4, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 8, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हैं, 8। अब बैलेंस कौन करना रह गया, आयरन, क्योंकि आयरन के प्रोडक्ट साइड पे तो कितने हैं, 3 एटम्स, और रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 1 ही है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, जो आयरन रिएक्टेंट साइड पे पड़ा है उसके साथ क्या लगा देंगे, 3 एज अ कोफिशिएंट लगा देंगे। तो अब रिएक्टेंट साइड पे भी आयरन के कितने एटम हो गए, 3, और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हो गए, 3। तो ये देखो, ये हमने एक पजल की तरह सॉल्व किया, कोई हार्ड एंड फास्ट हमने रूल नहीं लगाया। तो आपके लेवल पे आपको काफी आसान रिएक्शन आएंगे और जो यूजुअली 2 से 3 स्टेप के अंदर क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी अपनी केमिस्ट्री की बुक ले सकते हो, उसमें कोई भी रिएक्शन उठा लो, जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही गिवन होना चाहिए, आप कोई भी रिएक्शन उठा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर मैं ही आपको एज अ होमवर्क एक रिएक्शन दे देती हूँ. सपोज यहाँ पर हमने अभी एक रिएक्शन देखी थी, एक सेकेंड, हमने वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन देखी थी जिसमें मैंने क्या लिया, एच टू लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया और वो क्या बन गया, वो चेंज हो गया एच टू ओ के अंदर. अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, टू. प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, टू. पर यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, टू, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, वन. तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई चेंजेस तो करने पड़ेंगे. अब वो चेंजेस क्या होंगे, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोग इसे होमवर्क में सॉल्व करिएगा. नहीं तो मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ, बता देती हूँ. अब आपको सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा. ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे क्या है, कम है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें टू लगाना पड़ेगा. अब यहां पर टू लगाने से क्या हो गया रजे, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितनी है, टू. प्रोडक्ट साइड पे भी टू है, पर चेंज किस में आ गया, हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे तो कितना था, टू. प्रोडक्ट साइड पे कितना हो गया है, वो फोर हो गया है. तो अब इसको भी फोर के अंदर बदलना पड़ेगा. तो फोर के अंदर बदलना काफी ज्यादा इजी है, आपको पता है टू टू सा क्या होता है, फोर. तो अगर इसके आगे भी मैं क्या लगा दूंगी, टू लगा दूंगी, तो हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे. एंड दस ये आपकी क्या बन जाएगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो आई होप यू अंडरस्टूड. अब ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे निग्लेक्ट नहीं करना है और इसे प्रैक्टिस करते जाना है. ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो भी हमने केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन सीखी उसके अंदर कुछ और बेसिक चीजें भी हम देखते हैं. अभी तक आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखी तो वो सिंपल थी. जैसे मान लो जिंक के साथ ले लेते हैं, जिंक के अंदर HCl हमने डाला, ठीक है, तो ये किसमें बदल गया, ZnCl2 के अंदर बदला और क्या रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. तो अब इस ये रिएक्शन क्या है, अब ये रिएक्शन में आपको इतना तो पता लग रहा है कि है ना क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का सिंबल क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं. बट आपको क्या ये इस रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता लग गया, क्या मैं आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिख के दूं तो क्या आप इसे लैब में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना. तो अब जब भी हम किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ और सिंबल्स क्या है ऐड करते हुए चलते रहते हैं. अब वो सिंबल्स हम क्यों ऐड करते हैं, वो सिंबल्स हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम इस रिएक्शन को क्या बना सके, ज्यादा से ज्यादा इससे इंफॉर्मेशन ले सके, ज्यादा से ज्यादा क्या ले सके, इससे इंफॉर्मेशन ले सके. तो अब सबसे पहली एडिशन जो हम करते हैं वो क्या है, हम इनके साथ इनकी स्टेट्स ऐड कर देते हैं. स्टेट्स का मतलब क्या है, हम ये बताते हैं कि जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. हम ये बताते हैं कि HCl किस फॉर्म में है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है कि गैस है. सिमिलरली हम ZnCl2 का बताएंगे, हम हाइड्रोजन का बताएंगे, जिससे क्या है आपको जजमेंट लेनी आसान हो जाए. ठीक है, आपको पता लग जाए कि कौन सा रिएक्टेंट किस स्टेट में मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या कर सको, अरेंजमेंट कर सको. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक स्लाइड के अंदर ऑलरेडी एक रिएक्शन ऐड किया है जिसमें हमने आयरन के अंदर क्या ऐड किया है, वाटर. ये वही रिएक्शन है जिसे हमने अभी बैलेंस किया था. ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पर ब्रैकेट में साथ में बता दिया गया. अब एस क्या रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है कि ये एक सॉलिड स्टेट है. वैसे ही सिमिलरली अब यहां पर जी है, जी रिप्रेजेंट करेगा कि ये गैसीय स्टेट है. और अगर आपने L कहीं देखा होगा तो L आपको बताएगा कि ये लिक्विड स्टेट के अंदर है. किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर है. ठीक है, तो हम क्या है ब्रैकेट के अंदर ये सिंबल्स ऐड कर देते हैं जिससे हमें स्टेट के बारे में पता लग जाता है. जैसे आयरन यहां सॉलिड स्टेट में है. अब वाटर को हमने देखो, वाटर आप यूजुअली क्या समझोगे, लिक्विड वाटर लिया होगा, पर वाटर किस फॉर्म में लिया है, गैस फॉर्म में. यानी यहां पर इस रिएक्शन को करने के लिए आपको पानी को उबालना पड़ेगा, उसकी स्टीम बनानी पड़ेगी, फिर ये रिएक्शन होगी. फिर Fe3O4 सॉलिड बनेगा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होगी, गैसियस फॉर्म के अंदर रिलीज होगी. अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देती हूं, कभी कभी ना आपको AQ लिखा हुआ नजर आएगा. अब AQ ब्रैकेट में किसी भी रिएक्टेंट के साथ, तो वो AQ क्यों लिखा होता है, AQ लिखा होता है इसको बताने के लिए कि ये एक्वस है. एक्वस का मतलब जैसे मान लो अब यहां पे आयरन के साथ अगर AQ लिखा होता तो इसका मतलब क्या है कि आयरन के अंदर मैंने थोड़ा पानी मिक्स कर दिया है. ठीक है, आयरन को थोड़ा गीला करके उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके मैंने फिर ये रिएक्शन की है. ठीक है, सूखा नहीं लेना हमें, उसे थोड़ा गीला कर देना है, ये लगा लो. या ये बोलो जैसे मान लो अगर HCl है, कोई एसिड लिया जाता है, जैसे अब यहाँ पे एसिड है. ठीक है, तो एसिड के साथ जरूर लिखा आएगा कि ये AQ है. AQ मतलब कि सिर्फ प्योर एसिड नहीं है, एसिड के अंदर कुछ अमाउंट में क्या डला हुआ है, पानी डला हुआ है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्वस. या फिर कभी कभी ये वर्ड भी यूज करते हैं, डिल्यूटेड. डिल्यूटेड का मतलब भी क्या होता है कि इसके अंदर एसिड के अंदर क्या ऐड कर दिया, मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है.
ठीक है। तो और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जो हैं जो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, जैसे आपको यहां पर दिख रही होंगी, ठीक है। यहां पर क्या है, आप देख रहे हो कि इस एरो के ऊपर मैंने क्या लिखा है, 340 एटीएम। अब एटीएम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है। एटीएम प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। किसके यूनिट्स होते हैं, एटीएम होते हैं प्रेशर के यूनिट्स। तो यहां पर क्या हमने क्या किया है, इसके ऊपर 340 एटीएम लिखा है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन को करने के लिए आपको कितना प्रेशर डालना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा 340 एटीएम ऑफ प्रेशर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस रिएक्शन के ऊपर, इस रिएक्शन आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सनलाइट। इसका मतलब कि रिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, धूप, रोशनी चाहिए होगी, धूप की रोशनी चाहिए होगी। साथ में क्या लिखा है, क्लोरोफिल, यानी इस रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है। तो ये क्या है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन के वक्त दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या बताते हैं, हम नेसेसरी कंडीशंस बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम क्या बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं। जैसे कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये 45 डिग्री सेल्सियस पे होगी रिएक्शन। प्रेशर जैसे अभी लिखा हुआ 340 एटीएम। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं रजे जो हम किसी भी रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे रिएक्शन की क्या बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनमें निकल एक कैटलिस्ट की फॉर्म में होता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये असल में रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये खुद जाके रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, बट इनकी प्रेजेंस से रिएक्शन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उन सबको भी कहां मेंशन किया जाता है, उन सबको भी यहां पे मेंशन किया जाता है इस एरो के ऊपर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स एज वेल। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम हर एक तरीके की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जो सबसे पहली और सबसे बेसिक केमिकल रिएक्शन हमारे पास आती है जिसे हमें स्टडी करना है, वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन इसके नाम के ऊपर ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होगा वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें क्या करेंगी, कंबाइन करेंगे। अब देखो आपको यूजुअली ना, अब ये रिएक्शन के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, जुड़ जाएं, उसे क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट की हुई है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, पानी लिया है और उसके अंदर कुछ क्या ऐड कर दिया है, क्विक लाइन। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड कर दिया है किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब देख रहे हो स्टेट लिखी हुई है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिल गया है आपको, CaOH2, जिसे क्या बोला जाता है, स्लेट लाइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्लेट लाइन भी बोला जाता है। साथ में क्या रिलीज हो गई है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट। अब ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया हमने। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर दो चीजों ने आपस में जुड़ के क्या बना लिया, एक नई चीज बना ली है, ठीक है। दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो चीज अभी समझने की है वो ये है कि जो स्लेट लाइम है ना, ये थोड़ा एक स्पेशल सब्सटेंस है जिसके बारे में आपको थोड़ा पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या है ना, आपको कभी हो सकता है कोई मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाए। तो ये जो स्लेट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे CO2 को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये कहां पर यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के अंदर इसे यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है, अगर स्लेट लाइन के ऊपर हम क्या पास कर दें, CO2 पास करें, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो एक मिल्की कलर के अंदर चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एक मिल्की कलर के अंदर चेंज हो जाता है। और वो मिल्की कलर क्या होता है, वो मिल्की कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो मिल्की कलर क्या होता है, वो मिल्की कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज भी किया जाता है। स्लेक लाइन को कहां यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग। आपने देखा होगा एक बार व्हाइट वॉशिंग हो जाए फिर उसके बाद उसे थोड़ी देर ना सूखने के लिए रखते हैं, और सूखने के बाद उसके ऊपर काफी अच्छा व्हाइट शाइनी लुक आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि वो क्या कर जाता है, CO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर क्या लेयर बना लेता है,
कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है जो मिल्की कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, जिससे आपके वर्ड्स को क्या मिल जाती है, शाइन मिल जाती है। ठीक है, तो इसे वैसे भी डेली लाइफ के अंदर भी यूज किया जाता है हाउस होल्ड में व्हाइट वॉशिंग में, और फर्दर इसको लैब्स के अंदर भी यूज किया जाता है CO2 के प्रेजेंस टेस्ट करने के लिए। अगर हमें देखना है ना कि किसी रिएक्शन में CO2 निकली है या नहीं निकली है, तो हम क्या करते हैं, जो भी गैस होती है उसे स्लेक लाइन के ऊपर पास करते हैं। अगर तो वो मिल्की कलर में बदल गई तो इसका मतलब उसमें क्या थी, उसमें CO2 प्रेजेंट थी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टाइप की हमारी जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक को आपको याद करना है वर्ड एग्जिट से, किसे याद करना है आपको वर्ड एग्जिट से। अब एग्जिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बाहर निकलना, बाहर निकलने को क्या बोलते हैं हम एग्जिट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या करे, एग्जिट करे, जिसमें हीट क्या करे, एग्जिट करे, यानी हीट क्या निकले, बाहर निकले, उस तरीके की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की बर्निंग रिएक्शन होगी। अब देखते हैं ना, हम सर्दियां हैं, ये मौसम सर्दी का है, तो अगर इसमें क्या हम आग जलाते हैं, ठीक है, तो आग जलाते वक्त क्या हो रही है, कंबस्चन हो रही है, तो उसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, तभी हमें थोड़ी गर्मी फील होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन तो आप यूजुअली क्या सोचते हो कि हमने तो ऑक्सीजन ली, CO2 बन के बाहर आ गई, बट उस रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, तभी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना कि आप कोई काम कर सको, आप पढ़ सको। तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन होगी, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू मेन्योर, जैसे हम बोलते हैं ना खाद बनाई जाती है, खाद कैसे बनाते हैं, हम एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसके अंदर काफी सारा वेजिटेबल मटेरियल, सूखी पत्तियां वगैरह सब डाल देते हैं, और वो थोड़ी देर बाद किस में बदल जाती है, मेन्योर के अंदर। तो वो मेन्योर को अगर आप हाथ लगाओ तो थोड़ी गर्म होती है, वाई सो बिकॉज ये रिएक्शन भी कैसी होती है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक के साथ एक और रिएक्शन एसोसिएट करती है, उसे भी हम यही समझ लेते हैं, ऑल्दो उसकी एक अलग स्लाइड प्रेजेंट है, तो वहां पे मैं आपको एक रिकैप दे दूंगी। पर एग्जिट के ऑपोजिट क्या होता है, एंटर। एग्जिट का ऑपोजिट क्या होता है, एंटर। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, एंटर का मतलब अंदर आना। तो अब जैसे एग्जिट से आपने याद रखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसे एंटर से याद रखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या याद रखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। कौन सी रिएक्शन, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो क्या होता है, हीट हमें मिलती है, रिएक्शन के बाद हीट निकलती है। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आपको, कुकिंग। अभी हमने देखा कि आप क्या सब्जी में, जैसे मान लो आपने आलू की सब्जी बनानी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप क्या करो, एक पतीले में पानी डाल लो, आलू डाल लो, नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल लो, क्या सब्जी पक जाएगी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हीट दैट सब्सटेंस। आपको सारा मिक्सचर को क्या करना पड़ेगा, हीट। तो यहां पर आपको जो क्या है, जो आपको हीट है वो आपको खुद सप्लाई करनी पड़ रही है। हीट असल में रिएक्शन के अंदर एंटर कर रही है, तो ये क्या होगी, ये एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके की रिएक्शन आपस में एक दूसरे के साथ देखी जाती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब उसके बाद जो अगली रिएक्शन हमारे पास है वो है, सॉरी, हम ये रेस्पिरेशन की एक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन हमने देखी थी अभी कि ये क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये रेस्पिरेशन असल में वो किस तरीके से रही होती है उसे समझो। रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, जी आप क्या करते हो, एक तो होती है रेस्पिरेशन, एक होती है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सिंपल ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ देना, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे ये ऑक्सीजन CO2 के अंदर बदल रही है और कैसे हमें एनर्जी मिल रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो असल में होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी फूड मटीरियल जब भी आप खाते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको मिलता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जब आपने देखा हो ना, कोई भी रनर हो, कोई एथलीट हो, अगर उसे चक्कर आ रहे हो या उसे वीकनेस लग रही हो, हम उसे क्या देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं। ठीक है, तो वो ग्लूकोज असल में क्या है, रेस्पिरेशन का एक तरीके का रिएक्टेंट है। तो होता क्या है, ये जो ग्लूकोज है, देखो आपको AQ मिल रहा होगा, एक्वस मतलब यहां पे पानी का भी यूज हो रहा होगा। तो अब यहां पर क्या है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और वो किसमें बदल देगा, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 के अंदर और
किस में बदल देगा? वाटर। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कि इस रिएक्शन के बाद क्या निकलेगी? एनर्जी, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो एनर्जी हमारी रेस्पिरेशन के बाद निकली है, यही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए काम करती है। तभी हम जब भी किसी को चक्कर आ रहे हो, वीकनेस आ रहे हो, हम उसे क्या दे देते हैं? ग्लूकोज दे देते हैं। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, अब वो सांस तो ले ही रहा है, ऑक्सीजन तो जा ही रही है, तो ये रिएक्शन होगी और क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वो उस इंसान को क्या लगने लगेगा? थोड़ा ठीक, थोड़ा बेटर फील होने लगेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अब जैसे ही आप लोगों ने क्या समझी थी, अभी आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये किसका ऑपोजिट है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता था राजे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर होता था कि आप किसी भी कोई भी एक या दो मटीरियल आपस में जुड़ते थे और उनसे क्या बन जाता था? एक नया प्रोडक्ट बन जाता था। यानी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ी, उन्होंने एक चीज बना दी। डीकंपोजिशन को याद रखो, वर्ड डीकंपोज से, आप लोगों ने डीकंपोज वर्ड तो साइंस में बहुत बार सुना होगा, डीकंपोज। तो अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन को याद रखना है हमने डीकंपोज से, या ये देखो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक बड़ा क्या होगा? रिएक्टेंट। और वो क्या है? आफ्टर रिएक्शन वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे यहां पर एक सिंपल एक्टिविटी है, आप लोगों ने FeSO4 ले लेना है, फेरस सल्फेट ले लेना है, और आप उसको क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे लड़की लेके खड़ी हुई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको FeSO4 ले लेना है और उसे हीट करना है, और इस टेस्ट ट्यूब का मुंह आप अपनी तरफ नहीं रखोगे, थोड़ा अपने फेस से दूर रखोगे, क्योंकि गैसेस रिलीज होंगी दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप इसे अपने फेस से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखोगे और आप क्या देखोगे कि यहां पर जो FeSO4 जो आपने पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था वो ग्रीन कलर का था, जैसे आप उसे हीट करोगे वो धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन हो जाएगी, और वो रिएक्शन असल में होगी क्या कि FeSO4 टूट कर क्या बना लेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जो रेड कलर का है, और साथ में ये दो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो रिलीज होंगी, ठीक है, जिनकी काफी आपको स्मेल भी आएगी, ठीक है, इनकी रिलीज का आपको कैसे पता लग जाएगा? आपको स्मेल आएगी, फर्दर कलर चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? एक रिएक्टेंट, एक बड़ा रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या है? बट गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, दे आर फर्दर रिपीटेड दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। तो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल तो आप लोग ये देख चुके हो, एक आप ये देख सकते हो, ये अभी हमने यही सेम रिएक्शन अभी हमने कहां देखी थी? कॉम्बिनेशन में भी देखी थी, एक इसी तरीके की रिएक्शन। यहां पर हमने क्या लिया है? CaCO3 लाइमस्टोन, अगर उसे क्या किया जाए? हीट किया जाए, तो वो आगे दो प्रोडक्ट्स में क्या है? टूट जाएगा। एक तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा क्विक लाइम, और वो किस में बदल जाएगा? CO2 के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन को काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है सीमेंट वगैरह बनाने में। वैसे फर्दर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब्सटेंसेस व्हाइट वॉशिंग वगैरह के अंदर भी यूज होते हैं, क्योंकि जब भी स्लेट लाइम क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस में बदल जाता है? लाइमस्टोन के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जो व्हाइट वॉशिंग में लगता है। तो इनका फर्दर इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो है यूजेस भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब हमने ठीक है, तो अभी ये एक और एग्जांपल उसी तरीके से दिया रखा है, लेड नाइट्रेट लिया हमने, लेड नाइट्रेट को भी हीट करोगे तो वो भी आप देख रहे हो आगे तीन जो है रिएक्टेंट्स के अंदर वो चेंज हो गए। एक तो लेड ऑक्साइड बन गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ये भी क्या है? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ही है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाय सो। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें रिएक्शन क्या होगी। इसमें रिएक्शन होगी कि आप पानी लोगे, पानी के अंदर क्या पास करोगे? करंट। पानी के अंदर आप क्या पास करोगे? करंट। और वो वाटर किसके अंदर टूट जाएगा? वो चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर और किसमें?
ऑक्सीजन के अंदर। अब ये होगा कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया कैसे जाता है, आपको सिंपल एक मग ले लेना है, जैसे मग लिया है पानी का, उसके अंदर आप दो होल्स लोगे और उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे, दो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर क्या डली होंगी, दो इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स किस लिए है, ये इलेक्ट्रोड्स इसलिए है ताकि इसके अंदर पानी के अंदर क्या पास कराया जा सके, करंट पास कराया जा सके, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट की बनी हुई है। दीज आर फ्यू माइन्यूट डिटेल्स जो आपको अपने एग्जाम के लिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता तो याद रखनी होगी। और उसको किससे कनेक्ट कर दोगे आप, बैटरी से, आप बैटरी को ऑन करोगे और आप वाटर के अंदर करंट पास करना स्टार्ट कर दोगे। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट वो क्या है कि इस रिएक्शन को करते वक्त, देखो रिएक्शन का रिएक्टेंट H2O ही है, प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बट इसमें एक और एडिशनल चीज आपको डालनी होगी, आपको पानी के अंदर कोई ना कोई एसिड मिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पानी के अंदर आपको एसिड मिक्स करना पड़ेगा, या आपको पानी को क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिफाइड, क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिफाइड वाटर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल प्योर वाटर नहीं ले सकते आप यहाँ पे, पानी के अंदर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो भी आपका प्योर वाटर होगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। पानी के अंदर कुछ ना कुछ हमें क्या चाहिए होती है, इम्प्यूरिटी चाहिए होती है, तभी वो करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट। अब आपको ये तो पता ही है कि इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, पानी के अंदर करंट। अब अगर आप प्योर वाटर ले लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो आपको इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डालना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, जिससे ये पानी क्या है, रेडली और अच्छे तरीके से करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट करते। अब जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, आप क्या देखोगे कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में ऊपर स्पेस के अंदर क्या है, कुछ गैस इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। वो आपको कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो फर्स्ट तो आपके पहले तो टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा होगा, जैसे जैसे गैस आनी शुरू हो जाएगी इसमें पानी का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे, और गैस क्या है यहाँ पर ऊपर, गैस इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटर बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका वॉटर नीचे की तरफ आता जाएगा और आपकी जो गैस है वो ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो वॉटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ही आप देख ही रहे हो, एक बड़ा प्रोडक्ट आ गया, टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो इससे आपका जो पानी है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, और किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये अगली स्लाइड पे हम एक सिंपल या एक थोड़ी हम बोल सकते हैं एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, और इन टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। अब ये रिएक्शंस होती क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शंस को होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सनलाइट। क्या इंपॉर्टेंट है, सनलाइट, यानी यहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन होती क्या है, जैसे आपने लिया AgCl, सिल्वर क्लोराइड लिया, और आपने उसको किसमें रख दिया, धूप की रोशनी में रख दिया, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो टूट जाएगा किसमें, सिल्वर के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। अब आप सिल्वर क्लोराइड के साथ सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हो, कोई भी आपको हैलोजन जोड़ना है सिल्वर के साथ, हर एक तरीके का हैलोजन आप सिल्वर के साथ जोड़ोगे और उसको सनलाइट में रखोगे, तो इसी तरीके की रिएक्शन आपको क्या है, देखने को मिलेगी। अब ठीक है, अब ये रिएक्शन किसमें हो रही है, अब देखो सिल्वर जो क्लोराइड है वो किसमें बदल जाता है, यहाँ पर वो ग्रे कलर के अंदर चल जाता है, और ग्रे कलर किसका होता है, वो सिल्वर का कलर होता है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए, सबसे पहले तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, बट इसका एक खुद का भी नाम है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। और फर्दर इस रिएक्शन को फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है, जैसे आपने पहले देखा होगा कि फोटोज को डेवलप किया जाता था रील से, तो वहां पर इस तरीके की रिएक्शंस को क्या है, यूज किया जाता था टू डेवलप पिक्चर्स। तो इस रिएक्शन को फोटोग्राफ्स के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर काफी यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट अ फोटोग्राफिक फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में लिखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं,
वो रिएक्शंस जिसके अंदर हमें हीट खुद सप्लाई करनी पड़ती है, जहां पर हीट असल में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हमें हीट देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जैसे जो सिल्वर की आपने रिएक्शन देखी, तो उसमें भी आपने क्या देखा, हमने सनलाइट दी उसे, तो सनलाइट के अंदर क्या हुआ, सनलाइट से हमें क्या मिल रही है, असल में कुछ अमाउंट ऑफ हीट ही मिल रही है, ठीक है। तो वो भी क्या हुई, वो भी एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम सनलाइट भी एज अ फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ना कि हमें मिल रही है, हमें देनी पड़ रही है रिएक्टेंट्स को। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या हुई, एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हुई। अब देखो रजे, ये रिएक्शंस किस टाइप की हैं, क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है। वो क्यों, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिले कि आपको गिवन हो कि मान लो फॉर एग्जांपल ये चार रिएक्शंस दी हुई हैं, आप बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है, कौन सी फोटोकेमिकल है, कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, या आगे फर्दर आप और टाइप्स पढ़ोगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको हर एक रिएक्शन का हिंट पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में होता गया है असल में, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप क्या है, आप अपने एग्जाम के अंदर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कवर कर सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद रखो वर्ड डिस्प्लेस से, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपनी जगह से हिला देना। जैसे मान लो आप एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर कोई, सॉरी मैंने हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ पर मान लो कोई बुक पढ़ी थी, आपने उसको टेबल से उठाकर कहीं और रख दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसे डिस्प्लेस। तो यहाँ पर डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा कि कोई आएगा, कोई एक नया एलिमेंट आएगा और पुराने वाले एलिमेंट को उठा के कहीं और रख देगा और खुद उसकी जगह पर जाके क्या है, बैठ जाएगा। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि जा भाई तू उधर वाली जगह पे जाके बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाऊंगा, ठीक है, या बैठ जाऊंगी, तो ये क्या होगा, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट होगी। आपने उसे हिला दिया, तो उसी तरीके की क्या रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसे देखने के लिए आप क्या देखोगे, एक आराम से एक हमने एक एक्टिविटी बना दी है यहां पर, आप क्या ले लो, एक तो आयरन नेल आप अलग से ले लो, ठीक है, एक यहाँ पे आयरन नेल आप अलग से ले लो, एक आयरन नेल को आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट क्या होता है जी, CuSO4, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन नेल को क्या कर दो, डिप करके रख दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद आप ये देखोगे कि ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ी हुई जो नेल थी ना, वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, थोड़ी करोड़ हो गई है, और उसके अंदर क्या है, उसका कलर चेंज हो गया, अब वो ब्राउन कलर के अंदर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो वो असल में क्या हुई है, असल में आयरन की और कॉपर सल्फेट की क्या है, कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, जो रिएक्शन क्या होगी, हाँ जी, जो रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम अगली स्लाइड के अंदर अब रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन हुई क्या होगी। अब रिएक्शन होगी क्या, यहां पर आप लोग देख रहे हो आयरन अब आएगा, आयरन बाहर से आएगा, वो कॉपर को उसकी जगह से उठाएगा, खुद उसकी जगह पर आके बैठ जाएगा और कॉपर को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। देख रहे हो आयरन आया, कॉपर को उसकी जगह से उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, कॉपर बाहर आ गया और आयरन उसकी जगह पर आके आ गया और क्या बन गया, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया। इस तरीके के और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है जिंक है, जिंक को किसमें मिक्स कर दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर। अब होगा क्या, जिंक उठेगा, वो कॉपर को उसकी जगह से हिला देगा, क्या बना लेगा, खुद तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर क्या कर देगा, अलग खड़ा कर देगा। वैसे यहां पर है लेड की रिएक्शन है CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, पीबी आया, उसने कॉपर को उसकी जगह से हिलाया, खुद उसने क्या बना लिया, PbCl2, और कॉपर क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो बाहर से ये आप एलिमेंट डाल रहे हो ना, ये हमेशा जो दूसरे वाला एलिमेंट है जिसको ये डिस्प्लेस करेगा, उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो आपको कोई टीचर है, अपनी वो सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, अपने उसने एनुअल फंक्शन चल रहा है आपके स्कूल का और टीचर ने अपनी प्लेस ली हुई है, तो अब क्या टीचर को जाके बोल सकते हो कि मैम आप प्लीज उधर वाली साइड पे बैठ जाओ, मैं आपकी जगह पे बैठ जाऊं, नहीं, ये नहीं हो सकता ना, शी इज रिस्पेक्टफुल, या आपका टीचर आपको रिस्पेक्टफुल है, हम अपने टीचर को नहीं बोल सकते, वाई है ना। तो इसी तरीके की इसको एलिमेंट्स के अंदर लेके चलो, अगर मान लो कोई ऐसा ये इस तरीके की रिएक्शन होती, मान लो कॉपर, कॉपर लेते आप, एक सेकेंड,
हम क्या लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं और कॉपर को किसके अंदर डाल देते हैं, कॉपर को हम डाल देते हैं जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये करते तो अब आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब कॉपर क्या है, जिंक को उसकी जगह से क्या है, नहीं हिला सकता। तो ये दोनों अगर चीजों को आप मिक्स करके रखो ना, ये ऐसे की ऐसी पड़ी रहेंगी, कोई नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टॉपिक में आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मान लो आपको कोई रिएक्शन गिवन होगी, आपको बताना होगा कि ये रिएक्शन हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको ये रिएक्शन दी, अभी रिएक्शन नहीं हो सकती, तो आपको आंसर में लिखना होगा नो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी, एक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जैसे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो सबसे ऊपर पड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम आ जाता है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, इनको इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा, कॉपर नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट आप डाल रहे हो, जो दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, वो हमेशा उससे क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तभी वो रिएक्शन क्या आएगी पॉसिबल। तो अगर आप ये सीरीज को याद रख लोगे तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद फर्दर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, पर डबल है। डबल का मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे दो जाने आपस में सीट को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यहां पे तो ये हो ना, एक को उसने खड़ा कर दिया, बाहर भेज दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में क्या है, अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेंगे। तो हम सीधा इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे यहां पर एक रिएक्शन है Na2SO4 और उसको किसमें मिक्स किया है, BaCl2 के अंदर। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, सोडियम और बेरियम आपस में क्या कर लेंगे, सीड्स को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। सोडियम बेरियम की जगह पे जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह पे। तो सोडियम यहां चला जाएगा तो क्या बना लेगा वो, NaCl। अभी देखो ये ध्यान रखना है आपके, यहाँ पे ये NaCl2 नहीं बनाएगा, आपको वैलेंसी भी बैलेंस करनी है। तो सोडियम इसकी जगह पर आएगा और वो क्या बना लेगा, NaCl, वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बेरियम यहां से उठेगा और वो किसकी जगह पे चला जाएगा, सोडियम की जगह पे, और वो खुद क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें काफी सारी प्रोमिनेंट रिएक्शंस भी हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरीके की क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हो। प्रेसिपिटेट का मतलब कोई रिमेन्स छूट जाते हो, ठीक है, नीचे कोई सब्सटेंस क्या है इकट्ठा हो जाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या है, वो भी एग्जाम्पल है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम आगे पढ़ते हैं एक और तरीके की रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके नाम के बिल्कुल सिमिलर है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें आप क्या करोगे, आप ऑक्सीजन को क्या कर दोगे, एड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हुई है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन को एड किया, क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज जो है वो नोट करके रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का मतलब ये तो होता है कि आपने उसके अंदर ऑक्सीजन एड कर लिया, पर इसका एक और मतलब भी होता है। इसका और मतलब क्या है कि अगर आपने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर दिया, यानी अगर किसी रिएक्शन में ये हुआ कि ऑक्सीजन तो नहीं ऐड हुआ पर उस रिएक्शन में क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो उस तरीके की रिएक्शन को भी क्या बोला जा सकता है, उस तरीके की रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोला जा सकता है। हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि इसका कोई एग्जांपल अगर हमारे पास हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग देख रहे हो, यहां पर असल में हो क्या रहा है, यहां पर ऑक्सीजन को क्या है, अब ये रिएक्शन को समझने के लिए ना आपको एक और चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना, उसके ऑपोजिट एक और रिएक्शन होती है, सॉरी उसकी स्लाइड नहीं है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ एक और रिएक्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें अब एड क्या होगा, इसमें एड होगा हाइड्रोजन और रिमूव क्या होगा, उसमें रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन। ये देखो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप लोगों ने देखा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और रिमूव क्या हो रहा था, हाइड्रोजन. वेयर एज रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है और रिमूव क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है उसके अंदर से ऑक्सीजन. और अब आपको मैं बता दूं, इसके साथ साथ एक और तरीके की रिएक्शन होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं, रिडॉक्स. अब देखो रिडॉक्स को उसके नाम से समझो, आर ई डी से देखो रिडक्शन और ओ एक्स से देखो ऑक्सीडेशन. रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन भी हो रही हो और क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो. वो रिएक्शंस जिनमें क्या हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो. इसके एग्जाम्पल आप लोग समझो यहां पर. अब देख लो यहां पर वही सिंपल रिएक्शन है जो पिछली स्लाइड के अंदर थी. कॉपर ऑक्साइड है, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, हाइड्रोजन, और वो किसमें बदल गया है, कॉपर के अंदर, और किसमें बदल गया है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर के अंदर चेंज हो गया. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो रोजे, यहाँ पर क्वाइट क्लियर है. कॉपर के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, रिएक्शन के बाद उसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन. तो इसका मतलब यहां पर रिडक्शन किसकी हो रही है, यहां पर रिडक्शन हो रही है कॉपर की. और ऑन द अदर हैंड यहां पर हाइड्रोजन पहले अकेला पड़ा था, रिएक्शन के बाद वो किसमें चेंज हो गया, वाटर के अंदर चेंज हो गया. इसका मतलब इसमें ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन. और जब भी किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन की. अब देखो रजी, ये भी आपके पास क्या हो सकते हैं, ये भी आपको एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. आपको कोई भी रिएक्शन गिवन होगी, आपको बताना होगा इसमें रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडेशन किसकी हुई. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, जिंक पहले तो ऑक्सीजन के साथ था, इसके अंदर से क्या रिमूव हो गई रजे, ऑक्सीजन रिमूव हो गई. तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, रिडक्शन. यानी यहां पर जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस. कॉपर के साथ क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो इसकी यहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. अब अगली रिएक्शन आप लोगों का होमवर्क है, आपको देखना है कि इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. और अब इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक से टॉपिक्स बच जाते हैं जो काफी ज्यादा आसान है, या एक तरीके की रिएक्शन ही है ये, पर वो कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में आपको दिखती है. जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है करोजन. अब करोजन क्या होता है, रस्ट लग जाना, जंग लग जाना किसी भी चीज का. करोजन को आप बोल सकते हो कि कभी भी कोई भी मेटल किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर जाए, वो रिएक्ट कर जाए. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या है, वो रिएक्ट कर जाए. जैसे आयरन को अगर आप बाहर छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, बाहर मॉइस्चर यानी वाटर, बाहर की ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है. और वो किस में बदल जाता है, वो रस्ट के अंदर चेंज हो जाता है. ठीक है, रस्ट क्या होते रहते, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4 डॉट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर. अब ये क्या होता है, रस्ट. यानी अब ये रस्ट कैसे बनी है, ये रस्ट तब बनी है जब आयरन का पीस बाहर की एनवायरनमेंट में, देखो वाटर तो होता ही है ना, मॉइस्चर होता है, नमी होती है हमेशा एयर के अंदर, उसके साथ रिएक्ट कर जाए, बाहर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए और वो किसके अंदर चेंज हो जाए, Fe3O4 यानी वो रस्ट के अंदर अगर वो चेंज हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज करोजन. अब जो करोजन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है. वाई सो, क्योंकि अब देखो बाहर ब्रिजेस होते हैं, हमारे ब्रिजेस में कितना ज्यादा आयरन डलता है, शिप्स में आयरन होता है. ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, ये रेडली टाइम टू टाइम ये बाहर के एनवायरनमेंट से धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, और इनके अंदर क्या डिपॉजिट हो जाती है, रस्ट डिपॉजिट हो जाती है. जो रस्ट होती है वो क्या कर देती है, हमारे आयरन पीसेस को काफी ज्यादा वीक बना देती है. ठीक है, तो अब उससे क्या होता है, हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उससे हमारे लिए खतरा ही है वो. ठीक है, वो काम करना बंद कर देते हैं इसलिए. तो अब इसको बचाने के लिए काफी सारे मेजर्स किए जाते हैं. जैसे आपको पता है आयरन को हमेशा क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक पेंट की लेयर लगा दी जाती है. अब उससे क्या, पेंट की लेयर से क्या हो जाता है, जो आयरन है उसको जंग कम लगती है, कम जंग लगती है उसे. ठीक है, तो कोरोजन को स्टडी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपको कोई एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, तो उसको आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके साथ अगला टॉपिक है आपके पास रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी करोजन की तरह ही एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है जो आपको डे टू डे लाइफ में दिखती होगी. जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप चिप्स का पैकेट क्या है ना, खोल के रख दो वहां पे ऐसे ही. ठीक है, तो आप क्या देखोगे, थोड़े देर के बाद एक तो वो सिल जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और फर्दर हो सकता है शायद उनमें स्मेल आना शुरू हो जाए और उनका टेस्ट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. तो उसे क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी. रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके फूड में प्रेजेंट जब फैट्स और ऑयल्स क्या
क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं, अगर बाहर के एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके उनमें अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है, वो फूड मटेरियल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसका क्या हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, और वो फूड क्या है, ईडेबल नहीं रहता। इसलिए इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपकी मदर्स यूजुअली पिकल बनाती हैं, अचार बनाती हैं, तो वो अचार के अंदर क्या ऐड कर देती है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करके रखते हैं, कभी भी अचार को सूखा नहीं रखा जाता, उसमें तेल डाल के रखा जाता है। वो क्यों, क्योंकि वो तेल असल में एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे क्या है कि आपका जो अचार है वो कितनी कभी कभी साल दो साल तक भी पड़ा रहता है और वो खराब नहीं होता। ठीक है, और फर्दर आजकल ये भी चीजें यूज की जाती हैं, हमने अगर कोई भी फूड मटेरियल अगर हमने स्टोर किया करना होता है तो हम उसे किस में स्टोर करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर हम किसी भी फूड को हमने कंजर्व करना हो तो एयर टाइट कंटेनर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो आपका फूड है वो बाहर की एयर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर उसे रिएक्ट ना करे और वो रेंसिड ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं उसे, एयर टाइट कंटेनर में। फर्दर बैग्स ऑफ जो चिप्स होते हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती है और वो फूड को खराब होने से क्या है, बचा देती है। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर क्वाइट फाइन, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फर्दर ये हमारी चैनल के, वीओवी एकेडमी के कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इन लिंक्स को यूज करके अपना कोई भी डाउट जो है आप उसे पोस्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, या आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स, वी प्रोमिस दैट। एंड फर्दर अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, आपको इसको अपने एग्जाम रेडी बना लेना है। ठीक है, तो ये आप स्लाइड है, आप अपनी पीडीएफ है, से कहीं पे वीडियो को पॉज करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे आप नोट करके रख सकते हो अपने पास। ठीक है, आपने इस चैप्टर के अंदर काफी सारी, आपने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, मैं सम अप कर रही हूं, आपने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो आपको देखो काफी सारे मेथड्स होते हैं पता लगने के। आप ये देख सकते हो कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं, जैसे यहाँ पे कलर चेंज, स्टेट चेंज, गैस इवोल्यूशन, टेम्परेचर चेंजेस से पता लगाया जा सकता है। फिर आपने देखा कि रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। फिर आपने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, और बैलेंस करना सीखने के बाद फिर आपने काफी टाइप्स की या डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन देखी, जिसमें थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनके एग्जाम्पल्स में आपने देखा रेस्पिरेशन रिएक्शन एक एग्जाम्पल है, फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसके एग्जाम्पल्स में हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और क्या देखी हमने, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसकी एग्जाम्पल देखी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में देखे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखी हमने और इसकी एग्जाम्पल्स देखी, और इसमें एक नई चीज आपने क्या देखी, एक्टिविटी सीरीज देखी कि क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी जिसका एग्जाम्पल क्या थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फिर हमने देखी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और उन दोनों का मिक्सचर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और फिर रिएक्शंस की जो कॉमन जो चीजें हमें डेली लाइफ में दिखती हैं या जिनके सॉल्यूशंस की हमें जरूरत होती है, तो वो दो चीजें देखी आपने, कोरोजन और रेंसिडिटी, और फिर हमने ये देखा कि ये होती क्या है और इन्हें प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड मच ऑफ द चैप्टर, आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज पोस्ट योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल श्योरली सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।